हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं सभी खेलों के कफ एवं ट्रॉफियों के बारे में बताने जा रही हूं। दोस्तों, यहां पे उन्हीं कफ एवं ट्रॉफियों को बताया जाएगा जो आपके एग्जाम्स में 100% आते हैं। जो नहीं आते हैं उनको छोड़ दिया गया है दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और सभी कफ एवं ट्रॉफियों को नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल के अंतर्गत सबसे पहले राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बात करेंगे, राष्ट्रीय कप एंड ट्रॉफियों की। तो राष्ट्रीय में है सीनियर पुरुष के लिए संतोष ट्रॉफी जो 1941 से प्रारंभ हुआ, जूनियर पुरुष के लिए डॉक्टर वीसी राय ट्रॉफी, सब जूनियर पुरुष के लिए मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी एंड अंतर विद्यालय के लिए ट्रॉफी सुब्रतो कप 1960 से प्रारंभ, सीनियर महिला के लिए बेगम हजरत महल ट्रॉफी एंड अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय के लिए आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी होता है। एंड अन्य इसमें कौन कौन से कप एंड ट्रॉफियां आती हैं, जैसे चकोला गोल्ड ट्रॉफी, फीफा कप, मर्डेका कप, रोअर्स कप, फेडरेशन कप, नेहरू कप, अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप, एशिया कप, आईएफए शील्ड कप, डीसीएम कप, सैफ कप, कोपा कप, लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी, डुरंड कप, राजीव गांधी गोल्ड कप, कलिंगा कप, सीजर्स कप, नागजी ट्रॉफी, बिट्टल ट्रॉफी, टाड मेमोरियल ट्रॉफी, पैसिफिक कप। इसमें से दोस्तों जो डुरंड कप है वह भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है, जो 1988 से शिमला में खोली गई थी। वह 1940 तक शिमला में ही आयोजित होती रही एंड 1940 के बाद दिल्ली में आयोजित होता है, लेकिन अब पूछा जाएगा तो कहाँ है, तो दिल्ली में है, दिल्ली में आयोजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट में सबसे पहले राष्ट्रीय कप एंड ट्रॉफियों की बात करेंगे, तो पुरुष के लिए राष्ट्रीय में होता है रणजी ट्रॉफी जो 1934 से प्रारंभ हुआ। कई बार दोस्तों एग्जाम्स में पूछा है कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुआ, तो 1934 से। एंड महिला के लिए पद्मा ट्रॉफी, और ऐसा ही पूछा जाता है दोस्तों कि रणजी ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, पुरुष से या महिला से, तो पुरुष से। पद्मा ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो महिला से। एंड अंडर 19 एसजीएफआई के अंतर्गत सीके नायडू ट्रॉफी, अंडर 19 ओपन के अंतर्गत कुछ बिहार ट्रॉफी। अंडर 19 का मतलब दोस्तों 19 वर्ष से कम वर्ष के खिलाड़ियों के लिए। अंडर 16 एसजीएफआई के अंतर्गत बिन्नू मांकड़ ट्रॉफी, अंडर 15 के अंतर्गत विजय मर्चेंट ट्रॉफी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए रोहिंगटन बारिया ट्रॉफी जो सभी जोन के विजेता टीमों के मध्य एक दिवसीय खेला जाता है, एंड ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी सभी जोन के विजेता टीमों के मध्य 3 दिवसीय के लिए बिजी ट्रॉफी, एंड अन्य है विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी। अन्य प्रमुख कप एंड ट्रॉफियां हैं क्रिकेट के अंतर्गत एसेज, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, एशिया कप, विश्व कप, शारजाह कप, इंदिरा प्रियदर्शनी कप ट्रॉफी, नेटवेस्ट ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, इंदिरा ट्रॉफी, इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी, बिनू मांकड़ ट्रॉफी, स्कोर ट्रॉफी, पेप्सी कप, कोका कोला ट्रॉफी, विजय हजारे कप, हैवर्स। अब बात करेंगे हॉकी की। हॉकी में दोस्तों राष्ट्रीय कप एंड ट्रॉफी है पुरुष के लिए रंगास्वामी कप, महिला के लिए लेडी रतन टाटा कप। अन्य प्रमुख कप एंड ट्रॉफियां हैं हॉकी के अंतर्गत बेटन कप जो बार बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, लाल बहादुर शास्त्री कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, अजलन शाह कप, विश्व कप, आल्पस कप, एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी, फेडरेशन कप, आगा खां कप, गुरुगप्पा गोल्ड कप, कोडागु कप, गुरु नानक कप, कलप्पा कप ट्रॉफी आदि आते हैं। एंड नेक्स्ट है दोस्तों बैडमिंटन। बैडमिंटन के अंतर्गत राष्ट्रीय पुरुष टीम के लिए रहमतुल्ला कप 1934 से, पुरुष टीम एकल के लिए विकास टोपी वाला चैलेंज कप, एंड जूनियर टीम पुरुष के लिए नारंग कप
महिला टीम के लिए चड्ढा कप, तो इसको ध्यान में रखिएगा, नारंग कप पुरुष जूनियर पुरुष के लिए है, और चड्ढा कप महिला के महिला टीम के लिए है। एंड महिला एकल के लिए ओलंपियन चैलेंज कप, जूनियर टीम महिला के लिए सफी कुरैशी कप, एंड अन्य महत्वपूर्ण कप एंड ट्रॉफी है। बैडमिंटन में थॉमस कप पुरुष के लिए 1948 से प्रारंभ। दोस्तों यह थॉमस कप उबेर कप वेरी इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप पुरुषों के लिए होता है 1948 से प्रारंभ है। उबेर कप महिलाओं के लिए होता है 1957 से प्रारंभ है। दोस्तों बार बार ये पूछता है और इस बार भी यूपीटीजीटी में पूछा था कि उबेर उबेर कप का संबंध बैडमिंटन के किस से है, महिला से है कि पुरुष से है, तो महिला से है। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा दोस्तों, उबेर कप, थॉमस कप और उबेर कप, इस दोनों को महिला पुरुष को याद रखने का ट्रिक है कि पुरुष बैडमिंटन खेलते खेलते थम गए और महिलाएं बैडमिंटन खेलते खेलते उब गई। तो पुरुष बैडमिंटन खेलते खेलते थम गए यानी थॉमस कप पुरुषों के लिए है, और महिलाएं बैडमिंटन खेलते खेलते उब गई यानी उबेर कप महिला के लिए है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है, थॉमस कप और उबेर कप। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण बैडमिंटन के अंतर्गत यूनेक्स कप, अमृत दीवान कप, अग्रवाल कप, चैलेंज कप, सुधरीमन कप, कोनिका कप, मेयर्स कप, फेडरेशन कप, चाइना कप। एंड नेक्स्ट है दोस्तों टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले इसके राष्ट्रीय कप एंड ट्रॉफी की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय पुरुष के लिए बर्ना ब्लॉक कप, पुरुष एकल के लिए पिठापुरम कप, महिला के लिए जयलक्ष्मी कप, महिला एकल के लिए श्रावणकोर कप। एंड अन्य महत्वपूर्ण है टेबल टेनिस के अंतर्गत राजकुमारी चैलेंज कप, रामानुज ट्रॉफी, पद्मावती कप, स्वेथलिंग कप, इंदिरा कप, इलेक्ट्रा स्वर्ण कप आदि। एंड नेक्स्ट है दोस्तों वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के अंतर्गत राष्ट्रीय कप एंड ट्रॉफी है पुरुष के लिए मापा कट्टू एम जोजेफ ट्रॉफी, महिला के लिए पूर्णिमा ट्रॉफी एंड जूनियर नेशनल ट्रॉफी। अन्य महत्वपूर्ण है वॉलीबॉल में इंदिरा एस प्रधान, शिवांति गोल्ड कप, फेडरेशन कप, इंडिया कप, फेडरेशन कप, एशिया कप, इंडिया स्वर्ण कप, इटालियन ओपन। एंड दोस्तों नेक्स्ट है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के अंतर्गत राष्ट्रीय कप एंड ट्रॉफी है पुरुष के लिए विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी। दोस्तों बास्केटबॉल का भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसके सभी कप एंड ट्रॉफी को जितना बताया जा रहा है उसका नोट डाउन कर लीजिएगा। पुरुष के लिए विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, महिला के लिए प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी। अन्य महत्वपूर्ण है फीफा एशिया कप, बीसी गुप्ता ट्रॉफी, फेडरेशन कप, सर्विसेज ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप, बैंगलोर ब्लू चैलेंज कप, यूरोपियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप, मुन्नी स्वामी कप, अर्जुन राजा ट्रॉफी आदि आते हैं। नेक्स्ट है टेनिस। टेनिस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं दोस्तों, इसमें आता है मर्सिडीज कप, फेडरेशन कप, डेविस कप। टेनिस का डेविस कप दोस्तों बार बार पूछा जाता है कि डेविस कप का संबंध किससे है, तो आप इसको हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए। डेविस कप, डेविस इस साउंड मिल रहा है, टेनिस का लास्ट में इस और डेविस का लास्ट में इस, दोनों का साउंड मिल रहा है, डेविस कप टेनिस से संबंधित है, ठीक है। एंड विंबलडन ट्रॉफी। एंड दोस्तों इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन जो होता है वो सब भी इसमें जुड़ा हुआ है। एंड बिटमैन कप, एंटवर्प कप, हेनकेन ट्रॉफी, गफ्फार कप, राजेंद्र प्रसाद कप, एजवेस्टन कप आदि आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों पोलो। दोस्तों इधर के जितने भी हैं सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, पोलो से दो चार ही हैं बट हर बार पूछा जाता है। पोलो के अंतर्गत आते हैं सुडान कप, पृथ्वी सिंह कप, एजरा कप, एजरा वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एजरा बार बार पूछा जाता है। एंड प्रेसिडेंट कप, राधा मोहन कप, दोस्तों इस बार पूछा था यूपी टीजीटी में कि राधा मोहन कप
का संबंध किससे है? एन इस शिवांथी ट्रॉफी, क्लासिक कप, कल्याणी कप आदि आते हैं। नेक्स्ट है भारोत्तोलन। भारोत्तोलन में दोस्तों वर्धमान चैलेंज ट्रॉफी ही महत्वपूर्ण है, तो इसके अंतर्गत कौन आता है? वर्धमान चैलेंज ट्रॉफी। नेक्स्ट है नौकायन। नौकायन में एडमिरल कप, शक्ति ट्रॉफी दो ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है शतरंज। शतरंज से दोस्तों नायडू ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा है। खेतान ट्रॉफी, खेताना ट्रॉफी, वीवी शास्त्री ट्रॉफी, वीडियोकॉन इंडिया ट्रॉफी एंड स्विफ्ट विश्व कप, पोर्टिफिकर कप, लिम्फा ट्रॉफी। नेक्स्ट है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स से दोस्तों चारमीनार ट्रॉफी, जेसी वुमेन्स ट्रॉफी और मार्शल टीटो। मार्शल टीटो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गोल्फ। गोल्फ में भरत राम कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप। दोस्तों राइडर कप वेरी इंपॉर्टेंट है गोल्फ में। राइडर कप, वॉकर कप, प्रेसिडेंट कप, सर्किट कप, बाकर कप, डनहिल कप, मुथैया गोल्ड कप, आइजन हावा ट्रॉफी। नेक्स्ट है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स में गोल्ड फ्लैग ट्रॉफी ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है घुड़दौड़। घुड़दौड़ में डर्बी कप, बिल्ड्स कप, गुडवुड कप, ब्लू रिबन ट्रॉफी यही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज में होलकर ट्रॉफी, रुइया स्वर्ण कप, प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी एंड नेक्स्ट है मुक्केबाजी में प्रेसिडेंट कप, कबड्डी खो खो में फेडरेशन कप। एंड दोस्तों अब मैं लास्ट में वो चीजें बताऊंगी जो आपको हमेशा के लिए नोट डाउन करना है, जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जैसे कि एक सिमिलर कप एंड ट्रॉफी बहुत सारे खेलों में है, उसको मैं एक जगह पे रखी हूँ। जैसे कि दोस्तों फेडरेशन कप आपने देखा होगा, इतना समय तक मैं बताई कि फेडरेशन कप कई खेलों में फेडरेशन कप आया, तो कौन कौन से खेल में फेडरेशन कप है? तो फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो इन सभी से है। एंड दोस्तों नेहरू से कई सारे ट्रॉफी हैं, कप हैं जो कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि नेहरू कप व अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप, ये दोनों फुटबॉल से रिलेटेड हैं। एंड नेहरू ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड है। नेहरू कप कहेगा तो फुटबॉल से, नेहरू ट्रॉफी कहेगा तो हॉकी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंदिरा से संबंधित, इंदिरा गांधी से संबंधित कई सारे कप ट्रॉफी है जो कंफ्यूज करते हैं, जैसे कि इंदिरा प्रियदर्शनी व जैसे कि इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी एंड इंदिरा ट्रॉफी, ये दोनों क्रिकेट से रिलेटेड है। एंड इंदिरा गोल्ड कप हॉकी से रिलेटेड है। एंड इंदिरा कप, सीधे इंदिरा कप, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। एंड इंदिरा यश प्रधान, ये वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री कप हॉकी से रिलेटेड है और लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। लाल बहादुर शास्त्री कप कहेगा तो हॉकी और लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी पूछेगा तो फुटबॉल। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कप। प्रेसिडेंट कप का भी संबंध पोलो, गोल्फ, मुक्केबाजी इन तीनों से होता है। एंड प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी बास्केटबॉल, ब्रिज इन सब से है। तो दोस्तों आई होप कि ये सभी कप एंड ट्रॉफी आपको समझ में आए होंगे। शॉर्ट में बताया गया है दोस्तों, आप यदि बुक में पढ़ेंगे तो इससे बहुत ज्यादा उसमें दिया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट चीजें छाटना मुश्किल हो जाता है और उतना पढ़ने से आपको याद भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने सभी को इम्पोर्टेंट चीजों को छाट लिया है और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको नहीं यहाँ पे ऐड किया गया है। तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी, आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे आपके लिए मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाती रहूं। एंड दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।